रुक करेंगे अब प्रदेश की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जहां 2 घंटे 40 मिनट तक देश के बजट को पेश किया गया, तो वहीं वर्ष 2020-21 के आम बजट को लेकर बिलासपुर, घुमारवीं और श्री नैना देवी के ज्यादातर स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदर डोगरा ने केंद्रीय बजट में आयकर की दरों में कमी करने के फैसले को मध्यम वर्ग के लिए और कर्मचारियों के हित का करार दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जहां 2 घंटे 40 मिनट तक देश का बजट पेश किया गया, तो वहीं वर्ष 2020-21 के आम बजट को लेकर बिलासपुर, घुमारवीं और श्री नैना देवी के ज्यादातर स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की है। वहीं हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदर डोगरा ने केंद्रीय बजट में आयकर की दरों में कमी करने के निर्णय को मध्यम वर्ग के कर्मचारियों व जनता के हित में बताते हुए इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात कही है। गौरतलब है कि 5 लाख तक सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स न लगाने से जहां लोगों को फायदा होगा, तो साथ ही 5 लाख से 15 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को 20% और 30% टैक्स देना पड़ता था, जिसकी तरह अब 10, 15, 20 और 25% और 30% कर टैक्स पेयर को राहत देने का काम किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में किसानी व बागवानी सहित शिक्षा व पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर बजट में शामिल किए जाने के निर्णय की भी आमजन ने जमकर तारीफ की है और इससे देश के सभी वर्गों का विकास होने की बात भी कही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बजट की आलोचना की है। आज जो बजट पेश हुआ उसमें श्री अनुराग ठाकुर जी ने पिछले वर्ष की भांति, मतलब इस बार जो है बहुत अच्छा बजट पेश किया गया और इसमें सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा बजट पेश किया गया। इसके लिए मैं श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका तहे दिल से आभारी हूँ और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि ये इसी तरह आगे अपना जो सहयोग है, अच्छे काम है, वो जनता को, मतलब जनता के करते रहें। जो बजट आया है उसमें किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का, सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। ये जो बजट आया है किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और देशवासियों को इससे ज़्यादा बजट की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। उस बजट की खास बात ये रही कि इसमें निम्न वर्ग और उच्च वर्ग दोनों वर्गों का खास ध्यान रखा गया और मैं भारत सरकार को धन्यवादी हूँ जिन्होंने इतना अच्छा बजट आज पेश किया और मैं दिल की गहराइयों से भाई हिमाचल की शान भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं और दिल की गहराई से बधाई भी देता हूं। केंद्र सरकार द्वारा आज का जो बजट पेश किया गया उसका मैं स्वागत करता हूं। विगत कई वर्षों से कर्मचारी टैक्स स्लैब में बदलाव चाहते थे और सरकार ने समय समय पर इसमें प्रयास भी किए, लेकिन आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स स्लैब को और सरल किया है, उसे कर्मचारियों की जो भावना है उसका उन्होंने आदर किया है। शिक्षा क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए का निवेश दर्शाता है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है और संजीदा है।